व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो रात का जो ब्लॉग था वो बहुत लेट अपलोड हुआ, क्योंकि मैंने आपको ब्लॉग पर भी बताया था कि काफ़ी देर हो गई थी और अपलोडिंग में भी टाइम लगा। तो आज मैंने अभी सुबह से घर से ही स्टार्ट कर लिया। अभी मैं जा रही थी सेशन में, आज सेकेंड डे है और लास्ट भी है। तो बस मैंने कहा चलिए अभी नाश्ता वगैरह किया है, बर्तन वगैरह धो के बस थोड़ा सा जो काम था वो कर लिया। मैंने कहा चलिए बाकी आज जो है ना आज आके कर लूँगी, क्योंकि देर हो रही है। कल भी हम लोग 9:30 निकले थे, लेकिन अभी हम 10 मिनट कम 9 पे घर से निकल रहे हैं जी। तो व्यूअर्स ये भी सुबह के मनाजर, अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखें अभी सुबह सुबह के टाइम पर थोड़ी सी धुंध भी है यहाँ पर। अभी हम यूनिवर्सिटी रोड पर आ गए हैं और यहाँ से हम टर्न लेंगे। ये देखें सामने कितनी धुंध धुंध सी है। और ये शमा चौक के लाता था आजकल, इसको क्या कहते हैं, शमा चौक के नाम से ही है ये जगह। देखें ये भी हम हर सपोर्ट की साइड पे जा रहे थे, सुबह जबी सही से निकला नहीं है। और हमारे लेफ्ट साइड पे जो है ना गोरा कब्रिस्तान है यहाँ का। व्यूअर्स अभी हम कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए हैं। अभी कुछ लोग आए हुए इस साइड पे मेरे बैठे हैं, कुछ नहीं आए। तभी ये देखेंगे कॉन्फ्रेंस रूम में पेंटिंग कितनी खूबसूरत लगी हुई है यहाँ पर। ये है कॉन्फ्रेंस रूम, अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अभी कुछ लोग मेरे इस साइड पे आए हुए हैं, कुछ अभी नहीं, उनके ज़्यादातर लोग आए नहीं अभी तक। सभी हम यहाँ पर आ गए हैं बाहर से। मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ वही मनाजिर, और सुबह के बहुत खूबसूरत हैं। तभी मेरी एक आई भाई से बात हो रही थी, तो हम लोग समझ रहे थे शायद ये आर्मी के अंडर है, तो उन्होंने कहा नहीं ये अब हमारे अंडर है। और ये तकरीबन 100 साल से भी पहले की बनी हुई बिल्डिंग है। तो यहाँ शादी के इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, शूट्स वगैरह भी होते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है ये। मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। देखें कल भी मैंने शेयर किया था आपके साथ। सभी हमारा टी टाइम है, तो आप लोग भी आ जाए हमारे साथ चाय पीने भी। तो हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ बैठे हैं जी। तो व्यूअर्स अभी हमारा लंच टाइम है और अभी हम लोग लंच करने लगे। पति जी और सभी जी सामने बैठी हुई है जी। तो व्यूअर्स अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, खाना खा के हम लोग नीचे आए हमने का थोड़ा सा। और आज देखिए धूप ही नहीं है, आज बिल्कुल धूप नहीं है, धुनधुन सी है, थोड़े से बादल है, सूरज सही से आज नहीं निकला। तो बस अब नीचे आया था तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन में हमने बहुत कुछ सीख लिया यहाँ आके। आज मैम सारा सफदर भी आई हुई थी और उन्हें बहुत अच्छी मैम मिराज थी। हाँ जी, उनका सियासत से ताल्लुक है और मैम रुमाना तो है ही, अभी हमारे साथ ही है वो, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया जी। तो ये इस जगह की जो ये जब तारीर हुआ था इसकी सारी हिस्ट्री जो है मैंने तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त यहाँ का व्यू भी है और जो पेंटिंग्स लगी हुई। जी तो व्यूअर्स अभी मैं छत की तरफ आई हूँ, ऊपर से मैं आपको पिशावर का व्यू दिखा रही हूँ। ये सामने सारे पहाड़ हैं और अभी सारे पहाड़ जो है ना वो धुंध की वजह से छुपे हुए, क्योंकि पिशावर के चारों तरफ जो है ना पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच में हमारा शहर है पिशावर। लेकिन अभी धुंध की वजह से सारे जो पहाड़ हैं नज़र नहीं आ रही। तो मैंने कहा ऊपर से भी आपके साथ व्यू शेयर करती हूँ। मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है। बस हम घर जा रहे हैं, सेशन खत्म हो गया और हम लोग बहुत मिस करेंगे जगह को भी, और सेशन को भी बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा जी। तो व्यूअर्स अभी हम जा रहे हैं और देखे धुंध कितनी ज़्यादा नीचे आना शुरू हो गई, और अभी सही सर्दी हो गई, जितनी कल धूप तेज थी आज इतनी सर्दी है। तभी हस्बैंड हमें लेने आए हैं, तभी हम लोग घर जा रहे हैं। मैंने कहा चले आपके साथ व्यू शेयर करती हूँ जी। तो व्यूअर्स घर आ गए हैं और घर आते पहला हम जो होता है वो खाने का होता है, क्योंकि हम तो गए होते हैं हस्बैंड बेटा तो घर पे हो, उनके लिए तो खाना बनाना होता है। तो खाने बना रही आलू मटर, और हमारी लाइट चली गई। मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी कि फिर आए तो मैं वीडियो शूट करूं, लेकिन लाइट नहीं आई तो मैंने कहा चले अपनी वीडियो स्टार्ट कर देती हूं। प्याज मैंने रख दी है ब्राउन होने के लिए, और जो आलू मटर के लिए जो बाकी चीज़ें चाहिए उसमें सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर है, अदरक लहसुन काली मिर्चें और ज़ीरा मैंने कूट लिया मोटा मोटा। इसके अलावा नमक है, लाल मिर्चें हैं, धनिया है, हल्दी, और ये जो मसाला है ना इसमें जावित्री है और जो है काली मिर्चें हैं और ज़ीरा है। इसको मैंने तवे पे भूना है और भून के फिर पीसे। बाकी इसमें और जैसे दालचीनी वगैरह वो मैंने कुछ नहीं डाली, सिर्फ 3 चीज़ें हैं बस, प्याज हो जाए तो बस, बाकी मसाले हर रस में डालती हूँ। और आज हमारे सेशन का लास्ट डे था
तो बस अच्छा रहा सेशन और आज बहुत मज़ा भी आया और फिर दिल खफा भी हुआ कि सबसे अब देखें कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्हें हम पहले भी जानते थे और दो वो हमसे मिले तो चलो उनसे तो मुलाकात होती रहती है, और कुछ जो नए थे उनमें भाई कम्युनिटी से थे और कैलाशी भाई थे हमारे, तो उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बच्चियाँ थी, बड़ी अच्छा उनसे बातचीत रही, तो बस उनसे भी आज जैसे आप दो दिन आप किसी से मिलेंगे अच्छे तरीके से बात करेंगे तो आप लोगों से लगाव हो जाता है, तो अब उनसे भी छड़ने का भी, और सेशन में जो आज मैम सारा सफदर भी आई थी उनसे मुलाकात तो हमारी 3-4 दफा से ज्यादा हो गई है, तो उनकी जो बातें हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो बस बहुत अच्छा रहा सेशन। मैम रोमाना थी जिन्होंने हमें दोनों दिन ज्वाइन किया था, दोनों दिन हमें ट्रेनिंग्स दी थी। जी मैम मिराज आई थी आज, उनका सियासत से ताल्लुक था तो उन्होंने हमें सियासत के बारे में बताया, तो हमें सर्टिफिकेट भी मिले 2 दिन ट्रेनिंग के, तो बस अच्छा लग रहा था। तो बस अभी आज जल्दी जल्दी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ क्योंकि देर हो गई, कल भी हमारी वीडियो बहुत देर से अपलोड हुई थी, तो बस जैसे अब लाइट तो आने का कुछ पता नहीं कि लाइट कब आएगी, तो बस आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। प्याज हो जाए तो फिर मैं और मसाले भी इसमें शामिल करती हूँ। जी तो प्याज गोल्डन हो गए तो अदरक लहसुन जीरा और काली मिर्चें मैं इसमें शामिल करूँगी। तो हल्का सा फ्राई करूंगी मैं, उसका कच्चापन थोड़ा सा खत्म हो जाए, फिर मैं इसमें आलू मटर शामिल कर दूंगी। मटर अभी भी 240 रुपए किलो मिले मुझे, कम नहीं हुए इसके रेट, और प्याज जो दिए वो 120 को, आलू जो दिए 120 दिए, कभी रेट कुछ हो जाते हैं और कभी कुछ। सारे मैं इसमें डाल के उसको फिर भून लूँगी, अभी कोई और मसाला नहीं डालूंगी, सिर्फ आलू मटर जो है ना अदरक लहसुन और मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर। जी तो आलू मटर को मैंने अदरक लहसुन और काली मिर्चें और जीरे में अच्छे से भून लिया, मैं इसमें कुछ मसाले सारे शामिल कर दूंगी। गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी वाले बनते हैं बहुत मज़े के लगते हैं, और जो इसमें जो जैवित्री का और काली मिर्ची और जीरा जो मैंने भून के डाला ना पीस के जो आकर मैं डालूंगी ना उसके टेस्ट जो है ना इसका दुबाला हो जाता है मसाले। आप लोग भी ट्राई करें अपने घरों में, और सर्दियों में तो खाए जाते हैं आलू मटर, तो सब्जियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि सीजन के हैं, अभी मटर तो अच्छे भी आए हैं बहुत मज़े के भी होते हैं। थोड़ा सा इसको भून के फिर मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी, क्योंकि 1-2 मिनट मैंने भूना, मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर के साथ ही ये सब्ज़ मिर्चें भी मैं साबुत डालूंगी, इसमें काट के नहीं डालूंगी, इसको कट लगा के डालूंगी। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। 1-2 मिनट भून लूंगी, टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ग्रेवी के लिए। जैसे पहले मैंने अदरक लहसुन में भी आलू मटर को भूना था तो वो आधे से ज़्यादा गल चुके हैं, तो बस अभी थोड़ा सा पानी डालूंगी, और अभी भी मैंने इसे भूना टमाटर के साथ भी, बस थोड़ा पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए, और जो कसर इसमें रह गई गलने की तो वो भी आलू गल जाएंगे। जी तो व्यूअर्स मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ, ये सर्टिफिकेट भी हमें मिले, और मैंने कहा चले खाना भी देख लेती हूँ तैयार है, और मैं वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी क्योंकि लाइट हमारी अभी तक नहीं आई है। तैयार है, बिल्कुल रेडी है, इतनी ज़्यादा ग्रेवी मैंने नहीं रखी क्योंकि ये पकने के जब मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी तब भी ये इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ी कम होगी, तो मैं इसमें डालूँगी धनिया और ये जो मसाला ख़ास मसाला जो है जिसमें जावित्री है काली मिर्ची और ज़ीरा, इसको मैंने अच्छे से तवे पर भून के पीसा है, ये जाएगा इसमें, इसकी खुशबू से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, तो बस ये डाल दूँगी और इसको कर दूँगी चूल्हा बंद। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी जो आज आपके साथ सारा शेयर किया, सेशन का भी शेयर किया और जो रेसिपी शेयर करी आलू मटर की। आलू मटर तो सबके घरों में बनता है लेकिन इस तरीके से बनाए, बना के देखिए आपको डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, बहुत मज़े का बनता है। इसके साथ तंदूरी नान हो, चपाती हो, चावल के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो आप लोग ज़रूर बनाएं अपने घरों में और कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में, और ये कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।